नमस्कार दोस्तों, बहुत से भाइयों की जो है YouTube के वीडियोस पे कमेंट आ रही थी और WhatsApp पे भी मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आपकी जो 6 फीट की फ़ाइबर की छतरी है उसका ओरिजिनल फोकल पॉइंट क्या है वो बताओ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा कि ये जो ओरिजिनल स्टैंड समेत ओरिजिनल फोकल वाली जो मेरी छतरी है इसका एक्यूरेट फोकल पॉइंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फीड ऑन वगैरह निकाल देता हूँ, वरना फीड ऑन से बताऊँगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ तक इसका फोकल रखे। तो दोस्तों, जब ये कंपनी का आगे का फोकल पॉइंट फिटिंग आता है तो उसके साथ ये बड़ा वाला एक क्लैंप देते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्लैंप, ये इस टाइप का क्लैंप देते हैं जब ओरिजिनल इसका फिटिंग होती है तब। तो इस क्लैंप में जो है एक बड़े साइज का फीड ऑन लगता है और इस बड़े साइज के जो है क्लैंप में आपको फीड ऑन के अंदर एल एन बी फिट करना पड़ता है, जो कि फिट हो नहीं पाती ठीक से, एकदम ढीली ढाली होती है। और अगर आप डायरेक्ट ये क्लैंप यहाँ पे लगा दो बिना फीड ऑन के तो इसमें आप एल एन बी कस भी नहीं सकते हो, क्योंकि ये देख लो आप क्लैंप का मुख इतना बड़ा, एल एन बी आपकी कितनी छोटी, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट हो ही नहीं पाता। इस कारण ये इसका ओरिजिनल क्लैंप मैंने निकाल दिया और ये जुगाड़ सिस्टम बनाया है। इसमें जहाँ पर भी एकदम एक्यूरेट पॉइंट पे ज़्यादा सिग्नल सबसे ज़्यादा मुझे मिले वहीं पर मैंने इसको कसा है और वही इसका फोकल पॉइंट है। तो इसके लिए मैं आपको एकदम नाप के बता देता हूँ सेंटर से कितना क्या दूरी है। तो ये एकदम फिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, देख लो सेंटर से जो है ये 51-52 के बीच में, बाकी ये कितने क्या पॉइंट का अल्टर आ रहा है वो आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है, आप खुद भी समझदार हो। ठीक है, एक और बार बता देता हूँ, देख लो 51-52 के बीच में रखना है, हल्का सा 51 टच हो रहा है। और अब ऊपर से भी बता देता हूँ दूरी कि कितनी क्या आ रही है फोकल पॉइंट पे। तो ये मैं पास से थोड़ा सा बता देता हूँ, ये लगभग दोस्तों 6 फीट यानी कि 72 इंच पे आ रहा है फोकल पॉइंट, अगर ऊपर से आप मिलाओ तो। ठीक है, 71 और ये 72, ठीक है 72 73, लगभग 73 तो बहुत दूर हो जाएगा दोस्तों, 72 तक ठीक है ना, जहाँ पे ये 6 फीट लिखा है वहाँ पर 72 लिखा होता है, बट ये मेरी फिट वाली जो है टेप है तो 6 फीट या 72 इंच से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा आपका ऊपर से अगर फोकल पॉइंट को नापेंगे तो। बाकी दोस्तों आप खुद समझदार हो, अपने हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। और अब मैं जो है नीचे से भी आपको फोकल पॉइंट बता देता हूँ कि कितना क्या दूरी पे आ रहा है। तो ये लीजिए, नीचे से भी आपको बताते देता हूँ, लगभग 43 इंच, ठीक है 43 इंच या फिर उससे थोड़ा सा आगे समझ लो 43 इंच पे आ रहा है फोकल पॉइंट। तो ये एकदम एक्यूरेट फोकल पॉइंट है दोस्तों, मैंने सब कुछ एल एन बी आगे और पीछे थोड़ा सा ऊपर डाउन सब कुछ करके देख लिया, इस पॉइंट पे मुझे सबसे ज़्यादा सिग्नल मिले हैं, इसी कारण मैंने इसको यहाँ पर कसा है। अब साइड से भी नाप के बता देता हूँ क्योंकि बहुत से लोग साइड से भी मांगते हैं, तो ये देख लो 57 इंच पे रहेगा अगर साइड से आप नापोगे तो। और साइड में जो हाथ का डंडा है यहाँ पे, यहीं पे मैं इसको अटका रहा हूँ इंच टेप को, ये देख सकते हो। और आपको जो अपने अंदाज के हिसाब से दिमाग के हिसाब से काम लेना है, ये आप देख सकते हो 56 पॉइंट कुछ ज़्यादा या 57 तक, ठीक। और अब इधर के साइड से भी नाप के बता देता हूँ, तो यहाँ पे भी लगभग सेम है 56 से 57 के बीच में आपको याद रखना है, या फिर 56.5 समझ लो, ठीक। तो जो एक्चुअल एकदम एक्यूरेट फोकल पॉइंट की माप थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको जो है ध्यान देने वाली बात ये रखना है कि ये मैंने मेरी डिश एंटीना का एकदम एक्यूरेट फोकल पॉइंट बताया, मगर आपके पास अगर इसकी ओरिजिनल जो है स्टैंड ओरिजिनल फिटिंग नहीं हो, अगर आपने खुद मैन्युअली जो है सरिये वगैरह से फोकल पॉइंट बनाया है
आपका थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे वीडियो को देखने के बाद आप सेम टू सेम मिला रहे हो, अगर आपको वहाँ पर परफेक्ट सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, तो आप हल्का सा आगे पीछे कर सकते हो। हर किसी का अपनी छतरी के हिसाब से आगे पीछे फोकल हो सकता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने वीडियो में जो बताया वैसा का वैसा एकदम एक्यूरेट आपका भी होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका फोकल पॉइंट आगे पीछे भी हो सकता है। तो बहुत से दोस्त लोगों के कमेंट और व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे फोकल पॉइंट के बारे में कि वीडियो बनाओ, तो आप लोगों की फरमाइश पे मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।